सखारियां दी सैर करावांगा, होए सैर करावांगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम है आपका एक न्यू फूड व्लॉग में। तो आज आपका भाई मौजूद है लाला मूसा शहर के अंदर। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बड़े ज़बरदस्त किस्म के बादल वगैरह आए हुए हैं। तो आपका भाई यहाँ पे आया था खाने बहुत ही मशहूर अल मशहूर गामा नान टिक्की की दुकान है। तो मैंने कहा जैसा आज मौसम है पकौड़ों समोसों वाला, तो क्यों ना आज अपने शहर से बाहर निकल कर किसी और शहर में ट्राई किया जाए। तो मैंने रिकमेंडेशंस ली लोगों से, तो उन्होंने कहा जी अगर नान टिक्की वगैरह ये चीज़ें ट्राई करनी है तो फिर गामा नान टिक्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट नान टिक्की है। तो बड़ा आपका भाई सेटअप देखा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है। और मंगल वाले दिन लगाते हैं ये जो होती है ना सब्जी की टिक्कियाँ वगैरह, बाकी आम दिनों में भी, लेकिन ज़्यादातर इनकी बिकती है बीफ वाली टिक्की और आलू वाली टिक्की। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहाँ पर और इनके जाके सीन्स चेक करते हैं। गाइज खाना आपके भाई के पास इस वक्त आ चुका है। अगर बात की जाए लोकेशन की जो आपको भाई बताना भूल गया, तो ये हैदरी चौक पे मौजूद है ये गामा नान टिक्की वाले जो जैनवन गामा नान टिक्की है। उसके साथ इसकी एक और पहचान है कि इसके लेफ्ट साइड पे ना कैंपेन ग्राउंड है, कैंपेन ग्राउंड मौजूद है, उसके साथ सिविल हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछ कर आएँगे कैंपेन ग्राउंड या सिविल अस्पताल का, तो आप इजीली यहाँ पर आ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं खाना खाना। प्योर ना ऐसे वेजिटेबल्स का टेस्ट आ रहा है बीच और साथ आलू और वेजिटेबल्स को मिक्स करके जो टिक्की बनाई जाती है ना बेसिकली, ये वो वाली वाइब आ रही है इसके अंदर हल्के फुल्के। तो बारिश का मौसम हो, जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई बारिश में भीगता हुआ आया है, बारिश का मौसम हो गामे की नान टिक्की हो, तो मैं कहता हूँ आए हाय 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 मज़ा ही आ जाता है, एक लह वाली वाइब होती है उसकी। तो एक और बाइट चेक करते हैं। फुल गरम नान टिक्की है ये गाइस। और अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो मेरी तरफ से इसको 8 out of 10 मार्क्स दूंगा मैं इस टिक्की को। एक प्रॉपर प्योर पूरा एक ऐसा हैवी किस्म का रश है। हमें ये था कि रश बहुत कम होगा, हम यानी कि छुट्टी वाले दिन नहीं जा रहे, लेकिन आम दिन अभी मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त हैवी रश है। इनका कहना है कि यहाँ पर रोज़ डेली की 10,000 नान टिक्की सेल हो जाती है, जो कि एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ी अमाउंट है गाइस। तो मज़ा आ रहा है। आप सबको मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोग लाला मूसा शहर में आएँ तो इसकी नान टिक्की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला खा के। गामा नान टिक्की स्पेशल नान टिक्की साढ़ा लाला मूसा शहर, वो स्पेशल नान टिक्की जनाब बड़ी बड़ी दूर से लोग इतने आते हैं स्पेशल खान। असं भी जनाब तकरीबन 35-40 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, तो अज मौसम बड़ा प्यारा है साढ़ा लाला मूसा जी, समझो कि बहुत ज़बरदस्त सौगात है जनाब है। तो बड़ी बड़ी दूर तो लाहौर तो भी लोग आते हैं, अगू मियाँ जी हो गया, अगू मलक फ्रूट चाट लाला मूसा मेन बाजार से, उस तो बाद स्पेशल नान टिक्की लाला मूसा की साड़ी गामा स्पेशल नान टिक्की, तो ज़बरदस्त जनाब वाला चीज़। तो जी आपका भाई खाना वगैरह खाकर बाहर आ चुका है। तो जी अगर बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, मज़े की जगह है। तो जी अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस तकरीबन 6 नान टिक्की हम दो लोगों ने खाई हैं, तो जिसका बिल बना है 300, मतलब एक बहुत ही बजट वाली नान टिक्की है। कितनी को महंगी हो सकती है, स्पेशली है तो एक नान टिक्की ना।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैक के बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसकी वजह से लाला मूसा का टूर यहीं पे आपका भाई स्टॉप कर रहा है। अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने मोहलत दी तो ज़रूर आएंगे दोबारा से, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे लाला मूसा के फूट ओवर को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो एज यूजुअल तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट है। मिलते हैं जल्द से जल्द किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।